भी जल्दी वहाँ भी फ्लाइट सर्विस वहाँ भी स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी जो 1962 में इंडो चाइना वॉर जो हुआ था वहाँ में जितने भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है सब मोदी सरकार ने फंडिंग देके पूरा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बना दिया है। पासीघाट में पिछले साल आप सब विटनेस है, मैं खुद हवाई जहाज में बैठ के पहला हवाई जहाज मैं खुद पासीघाट में लैंडिंग किया है, वहाँ से एयर सर्विस स्टार्ट हो गया। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा ही गांव को सेंक्शन करा के फाउंडेशन स्टोन भी वहाँ ईटानगर में नहीं हो गया है। मेडिकल कॉलेज का भी इसी प्रकार का एक कहानी है। पूरे देश भर में हर एक राज्य का सभी राज्य का अपना अपना मेडिकल कॉलेज है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे अरुणाचल प्रदेश में अपना यहाँ में मेडिकल कॉलेज भी था नहीं। पिछले 2 साल में हमने मेडिकल कॉलेज को भी गठन करके दिखाया, वहाँ का क्लासेस पिछले दूर दराज स्टेट में 5 बार आना ये हिस्ट्री है हम सबके लिए। इसी से आप लोग कल्पना कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और हमारा प्राइम मिनिस्टर कितना अरुणाचल प्रदेश को चाहते हैं। वो चाहते हैं हमारा दूर दराज जो बॉर्डर में ठहरे वाले गांव वाले जो बसे हुए हैं उनका पास पूरा सुविधा हो, उनका पास लाइट का फैसिलिटी हो, उनका पास हेल्थ का फैसिलिटी हो, उनका पास एजुकेशन का फैसिलिटी हो, उनका पास रोड कनेक्टिविटी हो। तो इस तरह का लीडरशिप हमें इस नरेंद्र मोदी जैसे के रूप में मिला है। तो आने वाला दिनों में हम चाहेंगे कि आप लोग नरेंद्र मोदी जी का अगर हाथ मजबूत करना है, नरेंद्र मोदी जी का हाथ अगर मजबूत करना है तो हमारा यहाँ के उम्मीदवार ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारा सीनियर लीडर पार्टी अध्यक्ष श्री कपिल गांव जी हैं, इनको बीजेपी में बटन दबा के दिल्ली भेजना बहुत ही जरूरी है। मोदी साहब इस देश का बागडोर संभालने के बाद इस देश को एक नया पहचान मिला है, इस देश को नया ऊंचाई मिला है। अभी छोटे पहले कपिल गांव जी ने भी अपना स्पीच में जिक्र किया जो पुलवामा में जो इंसिडेंट हुआ है, बहुत ही दुखी इंसिडेंट हुआ है जिसमें अपना आर्म फोर्सेस के लोग वहां पे शहीद होना पड़ा, मगर मोदी साहब उसमें झुक के नहीं बैठा। मोदी साहब ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और पूरे देश के पूरे दुनिया के जो टॉप लीडर्स हैं अमेरिका से लेके पूरे टॉप लीडर्स हैं पूरे मोदी साहब के साथ में एकजुट होकर मोदी साहब का ही आवाज़ में बात करना शुरू हो गया है। तो इस तरह का जो डायनेमिक लीडर है जो वो चलते हैं आजकल केवल सिर्फ देश का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पूरे विश्व का लीडर बन चुका है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी का इस देश में प्रधानमंत्री दोबारा फिर होना बहुत ज़रूरी है, देश को और भी सुधार लेके आना बहुत ज़रूरी है। अरुणाचल में तो पूरा पब्लिक जनता ने मन बना लिया है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार फिर दोबारा आना है, आने के बाद अरुणाचल को पूरा हर एक सेक्टर में सुधार लेके आना बहुत ज़रूरी है, ये पूरे अरुणाचल के जनता ने मन बना के रखा है। आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके हमें अभी पता चला है कि हमारे विपक्ष के लोग यहाँ पे खास करके जो हमारा बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो बाहर के लोग यहाँ आके जो बिजनेस करते हैं आप लोगों को डरा धमका के बात करते हैं, वो लोग वोट अगर इस पार्टी में नहीं देगा अगर बीजेपी में देने से हम लोग ये करेगा इस प्रकार का बोल के कुछ अफवाह यहाँ पे फैला रहा है। तो मैं यही आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग किसी से डरना नहीं है। मैं अभी इलेक्शन कमीशन को भी मैं बात करूँगा, मैं अनुरोध करूँगा इलेक्शन कमीशन को कि आपका रोइंग में यहाँ पे एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस का डेवलपमेंट और भी किया जाए। जैसे मैंने पहले कहा डेमोक्रेसी में चुनाव 5-5 साल में एक बार आता है, डेमोक्रेसी में यदि चुनाव लड़ना है तो आपका एजेंडा का मुताबिक लड़ना है, आपका मैनिफेस्टो का मुताबिक लड़ना है। किसी को आएगा आप डराएगा, किसी को आएगा आप धमकाएगा, ये डेमोक्रेसी का एथिक्स में नहीं है। इसलिए मैं चीफ इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस ताकि आपका जो नॉन ट्रेबल भाई और बहन जो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं आप लोगों को पूरा प्रोटेक्शन मिले और आप लोग पूरे खुले दिल से आप लोग वोट डाल पाए। तो मैं अभी यहाँ के हमारा जो उम्मीदवार है नाता उमड़े साहब बहुत ही सीनियर लीडर है, ये आप सबको पता है। पहले वो दिल्ली में सांसद भी रह चुके हैं और वो पहले इसके बाद हमारे फॉर्मर ये MLA भी रह चुके हैं। तो MLA वक्त हम भी वहाँ पे मिनिस्टर हुआ करता था तो इनका जो आर्गुमेंट होता है, इनका जो असेंबली में जो पॉइंट जो रेस करते हैं बहुत ही अच्छा पॉइंट रेस करते हैं। मैं तो इनका जो असेंबली में जो बहुत जो टॉक देते था तो मैं तो वहाँ पे इनका बात सुनने के लिए मैं वहाँ पे असेंबली बहुत ही सीरियसली मैं सुनता था।
आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना इंटेलेक्चुअल, इतना मैच्योरिटी है, इतना एक्सपीरियंस लीडर हमारा बीजेपी का हमने दोबारा से उम्मीदवार बना के आप लोगों को बीच यहाँ पे लेके आया है। और आप सबसे ये आशा करता हूँ कि आप लोग पूरा थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में हमारा नाता उम्र साहब को वोट दे के आप लोग इसको ईटानगर में हमारे साथ भेजेंगे। तो अभी दोबारा फिर यहाँ से फिर तम्बुक में भी जाना है, वहाँ में भी अभी मीटिंग है। तो मैं फिर दोबारा चुनाव के बाद मैं दोबारा फिर आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूंसी में आऊँगा। मैं आऊँगा तो अपना तब तक तो अपना नाता उम्र साहब विधायक बन चुका होगा, ये हम उम्मीद करेंगे। और उसका थैंक गिविंग के लिए मैं डीसीएम साहब कबीर गांव साहब हम लोग पूरा फिर दोबारा आप लोगों के यहाँ पे आएंगे। और एक बार फिर आप लोगों को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी साहब को और भी हम लोगों का प्रधानमंत्री बनाना है, कबीर गांव जी को भारतीय जनता पार्टी का वोट दे के यहाँ से भेजता है। और हमारा बहुत ही डायनामिक लीडर हमारा नाता उम्र साहब को यहाँ में बीजेपी से एकदम 100% मतलब अच्छा यहाँ से विक्ट्री दे के आप लोग यहाँ से ईटानगर में MLA बना के भेजना है, ताकि हम लोग आपका रोइंग कॉन्स्टिट्यूंसी में जितनी भी जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग आने वाला दिनों में हम लोग इसको अच्छे से सोल्व कर पाएगा। इतना कहते हुए मैं अपना शब्दों को यही विराम देता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।